गाड़ी बहुत बढ़िया है यार। कौन सा गाड़ी है? MG का कॉमेट है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, चलाने में बहुत सही है। 10 लाख। मैं अभी बोलने वाला था कि AC चालू रखा है किसी ने, जबकि गाड़ी चालू है। अभी एक छोटा सा रोड था, उसमें जो हमने यू टर्न लिया ना, उधर ही सेटिस्फेक्शन, ऐसा लगा कि पूरा पैसा वसूल हो गया। दरवाजा बंद करके एक बार देखते हैं कितना। मैं अभी बोलने वाला था कि AC चालू रखा है किसी ने, जबकि गाड़ी चालू है। Seats and everything is manual. Yes, this is manual. दरवाजा बंद करके एक बार देखते हैं कितना है। वो तो हैवी है। हाँ, मतलब थर्ड तो आया तो है। So there is some sound. Music चालू है? नहीं ना। मोटर जो है ना, हाँ, उसका वॉल्यूम जो पोजीशन, जो जो पावर बैटरी से कंज्यूम कर रहा है ना, हाँ, वो उसका वॉल्यूम होगा। मैंने आपका जो ZS EV है ना, हाँ, वो चला है, उसका भी सेम आवाज से थोड़ा लाउड है। अच्छा, सो बोथ आर डिफरेंट टेक्नोलॉजी। वन इज फ्यूल E220D, मतलब नो डाउट वो अलग ही चीज़ है। बट हाँ, ये इट्स ऑलवेज यू हैव टू थिंक लाइक कि दिस इज अ सेकेंड कार। जैसे पहले लोग कार और एक बाइक रखते थे कि नज़दीक में कहीं जाना है तो बाइक लेके जाएंगे, बट दिस कैन रिप्लेस अ बाइक। जैसे आज भी इस टाइम पे तो कितना धूप है, तो धूप में आप बाइक लेके जाना पसंद नहीं करेंगे, और तो उस टाइम पे अगर ऐसी गाड़ी रहेगी तो डेफिनेटली यू विल थिंक लाइक कि ठीक है, एंड दिस इज ऑलमोस्ट लाइक अ बाइक विद 3 मोर पीपल अलोंग विद ड्राइवर। एकदम कॉम्पैक्ट, आपको कहीं से भी निकलना हो, साइड से हो, सब कर सकते हैं। तुम लोगों को पीछे कूलिंग कैसा है? इसका इंटीरियर हम लोग करें वैसा। हाँ, तो देख अभी मनीष भाई गाड़ी लेंगे, तो गाड़ी जैसे लेंगे वैसा तो रखेंगे नहीं, उन्होंने आज तक जितनी गाड़ी ली सब मॉडिफाई किया है। तो इसको फर्स्ट MG की कॉमेट मॉडिफाइड ऐसा कुछ बनाएंगे। 180 का अगर चार्ज मिलता है तो इफ आई ड्राइव 18 किलोमीटर्स अ डे, हाँ, सो 10 दिन तक चलेगा। इवन इफ इट वर्क्स फॉर अ वीक इट्स परफेक्ट। अगर चार्ज होने के लिए कितना टाइम लगता है? 7 आवर्स। 7 आवर्स, हाँ, 100%। 80% के लिए 5 आवर्स, राइट? यस सर। ये ईओ, अच्छा, इको स्पोर्ट्स है ना? नॉर्मल इको, अभी हम लोग इको में चल रहे हैं, अभी ये नॉर्मल। अच्छा, अभी हम लोग इको में चल रहे थे, तो नॉर्मल में थोड़ा और बेटर होगा ना? हाँ, सही है। इको था करके वो हल्का सा दब के चल रही थी सिटी ड्राइविंग के लिए, सिटी के लिए वो यूज़। हाँ, बट ये बेटर है नॉर्मल। स्पोर्ट्स भी है, बॉडी रोल है थोड़ा। हाँ, हुआ ना थोड़ा सा हल्का टॉलर। मैं इसके यहाँ से इसके लिए आया क्योंकि ये रास्ता थोड़ा ख़राब है, तो ये समझ में आएगा। जितना सोचा उतना सस्पेंशन खराब नहीं लगा, पता नहीं चल रहा पीछे सस्पेंशन। हाँ, बिकॉज योर सीट्स आर ऑल्सो ये है ना, लेदर वेदर नहीं है, कपड़े का सीट्स है, तो वो एकदम सॉफ्ट रहता है। सो दिस इज नाउ वी आर ड्राइविंग इन अ नॉर्मल मोड। अभी ये थोड़ा एयरपोर्ट का रास्ता है, तो हम लोग इसमें स्पोर्ट्स मोड डाल के देखते हैं कि स्पोर्ट्स मोड का फीलिंग कैसा है।
now we are in sports. So sports mode mein you will get the least average in terms of kitna time tak chalega ye. So sports mode mein aapko bahut kam mileage milega. Eco is the best for city and normal is also good. पीछे कंफर्टेबल है ना चार दो जन के लिए. सो देयर इज नो पार्किंग ब्रेक लाइक फॉर एग्जांपल अभी नॉर्मल हैंड ब्रेक या न्यूट्रल. अच्छा ओके न्यूट्रल में भी गाड़ी पीछे जा सकती है. ओके सो रेगुलर जो पी करके पार्किंग है वो नहीं है इसमें. सो जनरली इसमें आर एन डी एन पी रहता है पार्किंग वाला ऑटोमेटिक में. सो पी इज नॉट देयर. सो दिस इज वन थिंग कि यू हैव टू बी केयरफुल इफ यू आर ड्राइविंग ऑटोमेटिक. आप जनरली सिग्नल पे खड़े रहते हो तो आप पी दबा देते हैं तो पार्किंग में आ जाएगा या पी पे रखेंगे तो पार्किंग में. इन दिस देयर इज नो पार्किंग सो यू हैव टू पुट अ हैंड ब्रेक. तो वो एक ध्यान में रखना है. एंड ओवरऑल द कार इज लुकिंग ब्यूटीफुल फ्रॉम इनसाइड वेरी क्लोज टू द थीम्स दैट वी डू ब्लैक एंड आइस ग्रे. इन्होंने लाइट ग्रे डार्क ग्रे किया है. यहाँ पे भी थोड़ा टेक्सचर्ड क्लॉथ दिया मैचिंग टू द सीट्स. और अभी जिनके लिए ये टेस्ट ड्राइव हो रहा है मनीष भाई उनका ही फोन आ रहा है तो एक बार उनसे भी बात करते हैं. बट अभी कार नहीं चला सकते. सी इफ यू आस्क मी फॉर अ फन टू ड्राइव देन देयर इज नो फन टू ड्राइव इन टर्म्स ऑफ स्पीड एंड ऑल दैट पावर. बट देन स्टिल देयर इज अ फन टू ड्राइव बिकॉज हैंडलिंग इज सो गुड कि आपको चलाने में कोई टेंशन नहीं है. पार्किंग का कहीं टेंशन नहीं है. यू टर्न मारना होगा तो अभी हम लोग आगे वाले से यू टर्न मारेंगे तो एकदम परफेक्ट फटाफट हो जाएगा. आपको कहीं से निकालना है तो इजी है. तो दैट इज़ अ डिफरेंट फन टू ड्राइव एंड दैट्स व्हाट यू शुड एंजॉय व्हेन यू आर ड्राइविंग इन द सिटी. आप हाईवे पे जा रहे हैं तो आपको एक पावर का जो फील चाहिए दैट यू विल गेट इट इन एनी अदर पावरफुल ईवी और एनी अदर फ्यूल ड्रिवन कार. दिस इज प्रॉपर फॉर सिटी ड्राइव कि आप सिटी में आराम से चलाइए और सिटी ड्राइव के हिसाब से जितनी आपको स्पीड चाहिए वो आपको परफेक्टली मिल रहा है इसमें. अभी मैं नॉर्मल मोड पे हूँ और डिसेंट पावर है. मज़ा आता है चलाने के लिए. सो लाइक इंडियन कार्स यू आर गेटिंग द इंडिकेटर्स ऑन द राइट साइड. सो अभी भी किसी को कस्टमर को डिलीवरी नहीं हुआ है ना. पूछ रहा है क्या पूछ रहा है. गाड़ी बहुत बढ़िया है यार. कौन सा गाड़ी है. MG का कॉमेट है. इलेक्ट्रिक व्हीकल है. चलाने में बहुत सही है. 10 लाख हम लोग वर्कशॉप में लेके जाएंगे. यहाँ पे एकदम छोटा सा यू टर्न है तो देखते हैं कि ये यू टर्न आता है इसमें बैठता है नहीं बैठता है. सो लेट्स सी नाउ दिस इज द थिंग दैट वी हैव टू चेक. एकदम परफेक्ट बैठ गया तो जरा भी प्रॉब्लम नहीं हुआ यू टर्न मारने में भी. So now we are going inside the workshop to see. So अभी एक final थोड़ा सा इसका overall not review but actually as I said ना हमारे family member है जिनको गाड़ी खरीदनी है और जब भी किसी को गाड़ी खरीदना होता तो पहले मेरे को पूछ लेते. तो हमने बोला उन्होंने बोला कि आप ही test drive लो आप ही देखो. अभी सुबह के time था तो हमको headlight performance and all that we could not check but overall it's a very good car for a city drive. आप इसको लेके हाईवे पे जाने का सोच रहे हैं तो आई एम नॉट श्योर. मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है जा सकते हैं बिंदास. बट इट्स अ रियल फन टू ड्राइव इन अ सिटी कि आप सिटी के अंदर चलाएंगे ना तो इसको चलाने का एक अलग ही मज़ा है. अभी एक छोटा सा रोड था उसमें जो हमने यू टर्न लिया ना उधर ही सेटिस्फैक्शन ऐसा लगा कि पूरा पैसा वसूल हो गया. सो इट वॉज़ लाइक इतना सा ही रोड था उसके बीच में डिवाइडर था. हम लोग यहाँ से गए और ऐसा यू टर्न मार लिया विदाउट एनी एफर्ट. So that is the fun to drive. So in the video also I have told you ki it's not fun to drive in real sense like power and all that but it's real but it's a fun to drive in the sense of the compact ki car itni compact hai uski size itni achhi hai kahin se bhi nikal jati hai kahin bhi park ho jata hai kahin se bhi u-turn ho jata hai to wo ek fun to drive ka ek element hai. Gaadi chalane mein maza to aata hi hai but wo aap agar aap sochenge ki race dete hain aur gaadi ekdam bhagti hai वो फील नहीं आएगा.
बिकॉज दिस इज नॉट मेंट फॉर रेसिंग, इट्स मेंट फॉर अ रेगुलर सिटी यूजेज. बहुत अच्छे से चलती है. मुझे सबसे बड़ा इशू था टायर्स का. टायर्स की साइज़ जो है 145/70 R12. सो 12 इंच के टायर है. मैंने इसका थोड़ा कल रात को R&D किया था, तो मुझे लग रहा था कि छोटे टायर की वजह से इट विल नॉट बी कम्फर्टेबल खड्डे में या कहीं पे भी, बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट लगेगा. बट सरप्राइजिंगली वैसा नहीं हुआ. इम्पैक्ट बहुत रीजनेबल था बाकी सब गाड़ियों में जैसे वो होता है वैसे ही. उसका रीज़न एक तो गाड़ी की साइज़ छोटी है तो वो इम्पैक्ट ज़्यादा आता नहीं है. प्लस अंदर के जो सीट्स के कुशनिंग है ना वो भी बहुत अच्छे है, बिकॉज दे हैवेंट पुट एनी लेदर आइट और समथिंग. प्रॉपर क्लॉथ का ही मटेरियल है तो वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहता है. तो उस रीज़न से ये बहुत सही है. इट्स ए टू डोर कार, तो अगर आपको खोलना है तो यहीं से खोलना है. प्लस यू हैव टू फोल्ड दिस, ये सीट को आपको फोल्ड करना है. फिर यहाँ से आपको पीछे जाना है. मैं पीछे बैठा नहीं था, एक बार बैठ के देख लेता हूँ पीछे कैसा लग रहा है. सो आई विल सिट हियर सो दैट आई नो कि कितना लेग रूम कितना है. तो लेग रूम इज डिसेंट, बहुत अच्छा है. ये जो यहाँ पे दिया है आई थिंक वो इसके लिए दिया है कि कभी आपको सीट बेल्ट पहनोगे तो इसके अंदर से आप उसको डाल के ऐसा रख सकते हैं. बट दिस इज़ वेरी गुड, मतलब पीछे भी आप आराम से बैठ सकते हैं. हेडरूम तो बहुत अच्छा है. यहाँ पे हैंडल्स भी दिए हैं तो क्योंकि बॉडी रोल होने के चांस है. छोटी गाड़ी है, टॉल कार है, तो देर आर चांसेस कि शायद बॉडी रोल हो, इसीलिए यहाँ पे हैंडल भी अच्छे से दिए हुए हैं. ये जो ग्लास है इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है. फ्रॉम अ डिज़ाइन एलिमेंट इट मे नॉट वर्क बिकॉज आगे की खिड़की से थोड़ा नीचे चला जाता है, बट फ्रॉम प्रैक्टिकलिटी इट वर्क्स परफेक्ट. बिकॉज दो चीज़ है एक्चुअली, मुझे पता नहीं कि इन्होंने सोच समझ के किया है या गलती से हुआ, आई डोंट नो. एक तो बड़ा है तो डेफिनेटली इट्स मोर एरी. सेकेंडली आप जब पीछे बैठेंगे तो ऐसे बैठेंगे, हाथ रखने को कुछ है नहीं. सो दिस इज़ वन मोर प्लेस वेर यू कैन कीप योर हैंड. तो ये मैं अभी जैसे यहाँ पे बैठा तो नेचुरली मेरा हाथ वहाँ पे गया, तो वो भी एक अच्छा है कि यहाँ पे आपको हाथ रखने के लिए एक छोटा सा सपोर्ट जैसा फील हो जाता है, तो वो एक सही है. एंड या देयर इज़ अ सीट बेल्ट गिवन, दोनों के लिए सीट बेल्ट दिया हुआ है तो वो एक अच्छा है. पीछे की सीट में थोड़ा स्टोरेज दिया हुआ है. अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा कम है बट नॉट बैड, चलेगा. आप अगर ऐसे करके बैठेंगे तो भी प्रॉब्लम है. एकदम ऐसे करके हाथ पैर नीचे रखोगे तब जाके आपको लगेगा कि अंडर थाई सपोर्ट है. तो अगर ज़्यादा दूर तक जा रहे हैं तो आप ऐसे बैठेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं. हेडरेस्ट भी है, पैर थोड़ा सा नीचे रख के करेंगे तो आपको अंडर थाई सपोर्ट की अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगा. सेकेंड पर्सन ऑल्सो कैन सिट प्रॉपरली. एंड दिस इज़ ऑफिशियल फोर सीटर कार. ऐसा नहीं है कि इसमें चार बैठ सकते हैं और पाँच बैठने की गाड़ी है. ऑफिशियली इट्स अ फोर सीटर, इट गेट्स रजिस्टर्ड ऑल्सो एज अ फोर सीटर. तो अगर आप पाँच लोग बैठते हैं तो फिर वो इलीगल गिना जाएगा बिकॉज इट्स अ फोर सीटर कार. सो बहुत सही लग रहा है. एंड एज आई सेड कि डार्क ग्रे लाइट ग्रे के थीम में है, आइस ग्रे एंड डार्क ग्रे, तो बहुत ज़्यादा एयरी भी लग रही है. ये प्लेन का कैबिन जैसा लग रहा है पीछे. हाँ ये है ना, एग्जैक्टली वहाँ पे. सो दिस इज़ ऑल्सो वन मोर ऑब्जर्वेशन कि आप फ्लाइट में बैठते हैं तो आपको जो टॉल विंडो जैसा फील है वही है. वो भी आप खोल नहीं सकते हो, इसको भी आप खोल नहीं सकते हो. तो ओवरऑल इट्स अ नाइस थिंग, मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे. मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे तो बेटर लगी. 10 लाख या मतलब 10 लाख की वैल्यू है या नहीं वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि इसमें और क्या ऑप्शन है. मतलब टाटा की टियागो, टाटा की टियागो देखने से ईवी नहीं लगती है क्योंकि वो पूरा रेगुलर कार जो है वैसी लगती है. बट इफ़ यू आस्क मी, फन टू ड्राइव एंड गुड लुकिंग विद लॉट ऑफ फीचर्स एंड यू वांट टू स्टैंड आउट फ्रॉम क्राउड, दिस इज़ वेरी गुड. बट आई एम नॉट श्योर इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी एंड ऑल दैट. अभी जैसे दरवाजे तो हमने बंद किए तो एकदम प्रॉपर फील आया, मजबूत लगा, ऐसे प्रॉपर धड़ करके आवाज़ भी आया. तो मुझे लगता है कि इसकी सेफ्टी का भी कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए. और टाटा की भी गाड़ियाँ डेफिनेटली अच्छी है, बट ये थोड़ा क्राउड में हट के हो जाता है. जहाँ पे भी हम लोग गए सब्जन देख रहे थे. अभी हम लोग यहाँ से थोड़ा सा यू टर्न ले रहे थे तो भी लोग देख रहे थे कि ये क्या है. तो इनिशियली कुछ महीनों तक जब तक ये बहुत सारी गाड़ियाँ रोड पर नहीं आती है ये फील रहने वाला है. बट इट्स अ वेरी गुड कार, मतलब अंदर बाहर खाली कैसे जाने का वही एक है कि जैसे अभी यहाँ से हम लोग आ रहे हैं. सो अगर आप इतनी साइज में से जा सकते हैं तो आपको पीछे बैठना चाहिए, वरना यू शुड सिट इन फ्रंट. सो यस, नाइस कार. MG has done वेरी गुड वर्क, अच्छा लगा.
दरवाजा आपको है ना, हाँ एक है दरवाजा, बहुत जल्दी ऐसे रेगुलरली बंद नहीं होता है आपको थोड़ा, मतलब ये अभी इनके रबर बीडिंग का इशू है या अभी नए नए रबर बीडिंग है इसके लिए ऐसा है? तो देखिए अभी भी बंद नहीं हुआ है, अब जाके बंद हुआ है। एक चीज़ बूट स्पेस जो हम दिखाना, जो एक रह गया दिखाने का, सो विल शो यू द बूट स्पेस ऑल्सो। सो बूट स्पेस इज मतलब शुरू होते ही ख़त्म वैसा है, बट ठीक है। एक्चुअली जैसे कि ये बूट स्पेस क्यों कम है, क्योंकि सिटी ड्राइव के हिसाब से बनाया है, तो आप सिटी में तो लगेज लेके घूमोगे नहीं, एक बैग पीछे रह जाता है प्लस आपका चार्जर रह जाता है, दैट इज़ सफिशेंट अगर आपको सिटी में ही घूमना है तो, उतना काफ़ी है। दिस इज़ अ लॉन्ग टेल लाइट DRL दिए हुए हैं, टेल लाइट तो यहाँ है, सॉरी दिस इज़ अ DRL, बहुत अच्छा दिखता है ये भी। सो नाउ दैट कंटिन्यूस DRL वाला जो कंसेप्ट है वो काफ़ी सारी गाड़ियों में है, और जो टेल लाइट भी है बहुत ज़्यादा सही है, मतलब इट लुक्स लाइक अ EV टेल लाइट, इवन द हेडलाइट लुक्स लाइक अ EV हेडलाइट। सो नाइस कार, आई एम डेफिनेटली गोना रेकमेंड दिस टू माय फैमिली मेम्बर, एंड देखते हैं अगर आज वो कंफर्म हो जाता है तो फिर कल तक इसका एडवांस हो जाएगा, और वी आर प्लानिंग कि फिर इसको जून महीने में हमारे पास ये गाड़ी आ जाए। एक बार गाड़ी आ जाएगी फिर उसके बाद और थोड़ा उसको रिव्यू में डिटेल रिव्यू करेंगे, थोड़ा दूर लेके जाएंगे, 100 किलोमीटर का एक रन करेंगे, और फिर देखेंगे कि उसका क्या ओवरऑल फीडबैक आता है। ये भी एक बहुत अच्छा है, यहाँ से प्रॉपर क्रोम को यहाँ से पूरा, मतलब एक बहुत अच्छा एलिमेंट दिया है कि क्रोम को जब कंटिन्यू किया है तो यहाँ से लेके मिरर से किया हुआ है, तो बहुत थॉटफुल है। ये छोटी गाड़ी में मुझे लगा था कि शायद सिंगल वाइपर दिया होगा, बट इट्स नाइस दैट कि यहाँ पे दो वाइपर दिए हुए हैं, तो आपको एंड टू एंड पूरा क्लीनिंग और हो जाएगा। सो या इवन द हेडलाइट इज LED हेडलाइट, तो बहुत सही है, स्मार्ट है ये। आपको पता है कि यहाँ से आपको चार्जिंग का कैप है, तो ये कैसे ओपन होता है? यस, सो यू जस्ट हैव टू प्रेस इट, एंड व्हाट आई हर्ड इज कि ये जो है इट हैज लाइट ऑल्सो, सो व्हेन यू चार्ज इट यू विल गेट अ वाइट लाइट इन दिस MG लोगो, सो यू नो दैट द कार इज चार्जिंग, एंड वंस द कार इज कम्प्लीटली चार्ज ऑटो कट ऑफ पे बंद होता है तो वो लाइट भी बंद हो जाती है। सो ओवरऑल इट्स अ नाइस कार। अभी एक बार बैठते हैं इनके साथ, थोड़ा फीचर समझते हैं, तीन वेरियंट है, बेस, मीडियम और टॉप एंड, तीनों का समझ लेते हैं। सबसे अलग तीन नंबर में और किसी में चलानी है तो वो एक आध दो राउंड मार जाएंगे, और मैं तो सिलेक्ट बैठता हूँ। स्मार्ट थीम, तो पूरा थीम ही एप्पल के हिसाब से है, एप्पल एयरपोर्ट नहीं, क्या था वो, एयरपोर्ट था, अरे स्टार्टिंग में जो जिससे अपन सुनते थे, एयरपोर्ट, अरे नहीं यार, एयरपोर्ट, आईपॉड, यस आईपॉड, तो एप्पल आईपॉड की तरह की पूरा डिजाइन वैसा है, और इवन अंदर के स्टेयरिंग के बटन भी वैसे ही है आईपॉड के जैसे, तो नाइस, बहुत अच्छा है। अगर तुम लोगों को किसी को चलाना है तो लेके जाओ, राउंड मारो, मैं आता हूँ थोड़ा बैठ लेता हूँ इनके साथ। सो गाइस अभी आज इस MG कॉमेट की डिलीवरी भी थी, तो हमारे फैमिली मेंबर ने ये गाड़ी ली है, तो आइए देखते हैं उसके थोड़े क्लिप्स की गाड़ी की डिलीवरी कैसी रही।